हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ग्रहण पटेल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी और आपकी चैनल टेक्निकल देसी में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूंगा कि मैंने काफ़ी दिनों से किसी भी टाइप की न्यूज़ या इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किए, आपको मेरी चैनल पे नहीं पहुंचाया है। दोस्तों, लगभग 2 से 2.5 महीना हो चुका है जबकि मेरी लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी, उसके बाद मैंने ना एक वीडियो बनाई है ना पोस्ट की है, क्योंकि मेरे जो कुछ पर्सनल वर्क्स थे, कुछ पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं टाइम कैसे भी करके निकालूंगा नाइट में। जैसे आप देख रहे हैं कि लाइट मेरे ऊपर आ रही है, यानी कि मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, तो अब मैंने सोचा है कि नाइट में मेरी जो वीडियो है वो पोस्ट जो शूट करूँगा और नाइट में ही एडिटिंग करके वो डे में पोस्ट करूँगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि मेरी जो वीडियो है वो कंसिस्टेंटली आपको वीक में 2 या 3 बार मिलेगी। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो पसंद आएगी। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या गूगल हमारी एक्टिविटी पे नज़र रखता है, यानी कि हम लोग इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे जो भी करते हैं वो गूगल देखता रहता है और उसके बाद उसको सेव करता है। उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, क्या है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हम सबसे ज्यादा गूगल सर्च इंजिन का उपयोग करते हैं। हम गूगल के ऊपर काफी सारे हमारे पर्सनल डेटा स्टोर रखते हैं और काफी सारे जो हमारे कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट और सीक्रेट काम जो है उसके ऊपर भी करते हैं। तो क्या ऐसे में गूगल ये जो सारी जानकारी है, यानी कि सारी डिटेल्स है और हमारी सारी एक्टिविटीज है, वो क्या नोट करता है? ये आज की डेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसे बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानना बेहद जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि गूगल आज की डेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 3.4 अब्ज लोग दुनिया में स्मार्टफोन यूज करते हैं, जहां पे हम चैट, ऑनलाइन परचेज, गूगल मैप्स, सर्फिंग और बहुत सारी जो सेवाएं हैं स्मार्टफोन की वो यूज करते हैं। ये यूज करने के लिए गूगल हमारे पास हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, जैसे कि हमारी कास्ट, हमारी एज, हमारे फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट्स, रिलेटिव्स, हमारी पसंद, नापसंद, जॉब, बिजनेस और ना जाने क्या क्या मांगता है, और हम उसे दे देते हैं। ये जो सारी डिटेल्स है वो गूगल के बैक एंड में सर्वर के अपने पर्सनल कंप्यूटर में सेव हो जाती है, यानी कि स्टोर हो जाती है। मान लीजिए कि आप गूगल में लिखते हैं बेस्ट मोबाइल अंडर 8000, तो उसके बदले में गूगल आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट पेश करेगा जो अंडर 8000 वाले मोबाइल जिसमें शामिल हो। दोस्तों, लेकिन इसके बदले में गूगल जान लेता है कि आपको 8000 वाले मोबाइल में इंटरेस्ट है। इसके बाद कभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप सर्फिंग करते हैं गूगल के ऊपर, तो गूगल बहुत सारे स्मार्टफोन से रिलेटेड एड को दे देता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हम जिस टाइप का टॉपिक हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, उसी टाइप से रिलेटेड गूगल एड सर्व करना स्टार्ट कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गूगल ये सारी चीजें कैसे जान लेता है और इसी टाइप की एड्स क्यों पेश करता है जिस रिलेटेड हम सर्च करते हैं। तो इसे जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं गूगल को, जैसे कि जीमेल अकाउंट। दोस्तों, हम हमारे जीमेल के अकाउंट से ही तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ऐसी ही सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में एंटर करते हैं जिस चीज़ को, प्रोडक्ट को हमें देखना है या खरीदने के लिए। आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि जीमेल से की गई कन्वर्सेशन, यानी कि ईमेलिंग, आपकी प्राइवेट हो सकती है, इसे कोई पढ़ नहीं सकता है। गूगल के बैक एंड के जो सर्वर कंप्यूटर्स है इसे पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर लोग दुनिया में स्मार्टफोन यूज करते हैं और ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड किसकी प्रोडक्ट है? गूगल की ही तो प्रोडक्ट है। दोस्तों, एंड्रॉयड हमारे फ़ोन का पूरा डेटा, जैसे कि हमारा फ़ोन किस कंपनी का है, हमारा फ़ोन किस मॉडल का है, हमने किससे कितनी देर तक बात की, हमने किसको मेल सेंड किए, किससे मेल रिसीव किए, हमने हमारा जो फ़ोन के कॉन्टेक्ट्स है, हम इंटरनेट के ऊपर कितनी देर तक और किस चीज़ में सर्फिंग की, और यूट्यूब के ऊपर कौन सी और कब वीडियो देखी, ये सारी चीज़ों के ऊपर गूगल की नज़र रहती है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने फ़ोन का जो लोकेशन है वो अगर ऑन रखते हैं और मैप्स के ऊपर कुछ टाइम तक चलते हैं,
तो गूगल को ये भी पता होता है कि आप कहाँ गए, किस रास्ते से गए, किस जगह पे कितनी देर तक रुके, सारी आपकी जो मैप की जो लोकेशन है, आप जिस रोड पे घूमे हो, वो सारी जो डिटेल्स है वो गूगल के बैक एंड के सर्वर के कंप्यूटर में स्टोर रहती है। ज़्यादातर हम लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, और आपको शायद ये पता नहीं होगा, हम लोग काफ़ी सारी वेबसाइट में जब लॉगिन करते हैं तो हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो यही पासवर्ड हमें बार बार उसमें डालना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसे गूगल क्रोम को सेव करने के लिए रख देते हैं, उसके ऊपर छोड़ देते हैं, कभी कभी लॉग आउट या उसे हम साइन आउट नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि गूगल ये हमारे पासवर्ड को उसके बैक एंड के सर्वर के कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है, ताकि हमें जब वही वेबसाइट को खोलने की ज़रूरत पड़े और जब हम उसे खोलें तब वो डायरेक्टली खुल जाए और हमें पासवर्ड को डालने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों ये बहुत बड़ी भूल है, ये बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों गूगल हमारा डेटा चोरी तो नहीं करता है, लेकिन अपने जो सर्वर है उसमें स्टोर जरूर रखता है। गूगल हमारे डेटा को अपने पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम में तो रखता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी को तोड़ने वालों की भी दुनिया में कमी नहीं है, इसलिए हो सके उतना डेटा आप गूगल से कम शेयर करें। वैसे तो हम गूगल से हमारी पूरी डिटेल्स तो छुपा नहीं सकते हैं, लेकिन गूगल को हमारी कम से कम इन्फॉर्मेशन पता चले वैसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ दोस्तों, वैसा कुछ हम कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। तो वो चीज़ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वो चीज़ आप थोड़ी सी फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके गूगल के स्पेस बार में यहाँ पे टाइप करें माय अकाउंट, google.com। इसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने आपके गूगल अकाउंट में साइन इन नहीं किया है तो यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फो एंड प्राइवेसी लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं मैनेज योर गूगल एक्टिविटीज़, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी कंट्रोल का जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी कंट्रोल्स और यहाँ पे रिव्यू एक्टिविटीज़। इसके बाद अगर आपको आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पे लिखा है गो टू एक्टिविटी कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटीज़, यानी कि आप कौन सी वेबसाइट में जाते हैं, कौन सी ऐप्स खोलते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करता है। यहाँ पे मैनेज एक्टिविटी में आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने पास्ट में क्या क्या खोला था, गूगल के ऊपर क्या क्या सर्च मारा था, कौन कौन सी वेबसाइट खोली थी, किस दिन को, किस डेट को। यहाँ पे ये जो टैब का जो ऑप्शन है, ये वेब ऐप एक्टिविटी का जो ऑप्शन है वो ऑन है, इसलिए गूगल यहाँ पे स्टोर कर लेता है कि हम लोग कौन सी जो वेबसाइट है वो सर्च करते हैं। वो क्लियर समझ में आ गई है। वैसे ही हम किस किस जगह पे गए हैं पास्ट में, ये चीज़ का भी ये जो टैब है वो ऑन है। यहाँ पे मैनेज एक्टिविटी में आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल देके, यहाँ पे आपको टाइमलाइन दिखाएगा। यहाँ पे मैं आपको 2017 मंथ लेके चलता हूँ, नवंबर और नवंबर 19 मान लीजिए मैं ये खोला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरे घर से यहाँ पे राजकोट तक गया हूँ, ये सफ़र मैंने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक तय किया है, ये चीज़ दिखा रहा है, और कितना किलोमीटर गया हूँ ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 543 किलोमीटर। चलते हैं हम पिछले ऑप्शन में, यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन हिस्ट्री के बारे में समझाया कि अगर हम लोकेशन हिस्ट्री को इसका जो ये ऑप्शन है टैब है वो ऑन रखते हैं तो हम कहीं कहीं जहाँ जहाँ जाते हैं उस जगह की लोकेशंस गूगल के पास स्टोर हो जाती है, सेव रह जाती है। अगर डिलीट करना हो तो मैनेज एक्टिविटीज़ में जाके आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद डिवाइस इंफॉर्मेशन, इसको भी मैंने ऑफ रखा है, अगर हम इसे भी ऑन रखेंगे तो हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं ये भी गूगल को पता चल जाता है, और इसे भी ये स्टोर रखता है, सेव रखता है। मैनेज एक्टिविटी में इसे भी हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, इसे भी मैंने ऑफ रखा है, इसमें भी आप डिलीट करना चाहें तो आपकी जो वॉइस है, जब आप किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए अपना जो वॉइस कमांड देते हैं तो वो वॉइस कमांड डिटेक्ट करके गूगल उसे स्टोर रख देता है।
तो उसे भी हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद YouTube सर्च हिस्ट्री, हम YouTube के ऊपर कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री आती है वो सारी चीज़ें Google के पास सेव रहती है, उसके रिलेटेड ही हमें नेक्स्ट टाइम दिखाती है। इसके बाद YouTube वॉच हिस्ट्री, हम क्या क्या किस टाइप की वीडियो देखते हैं, कौन से वीडियो देखे हैं, ये सारी जो वॉच हिस्ट्री है वो गूगल हमें यहाँ पर इस वॉच हिस्ट्री में वो वीडियो दिखाएगा या फिर उससे रिलेटेड दिखाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ को अगर हमें गूगल से शेयर नहीं करना है तो ये सारे टैब्स को आपको ऑफ करना होगा। लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि आप जिस टाइम पे भी कुछ चीज़ सर्च करेंगे तो गूगल आपको बेटर मॉडिफिकेशन के लिए बेटर सजेशन देना कम कर देगा या फिर नहीं देगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, गूगल डेटा सेव भी रखता है, स्टोर भी रखता है, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल भी रखता है, लेकिन चोरों की भी कमी नहीं है। इसलिए मोरल यही निकलता है कि हम और आप सब लोग हो सके उतना कम डेटा गूगल से शेयर करें। तो दोस्तों आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाजू के बटन के ऊपर प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, क्योंकि मैं काफ़ी सारे टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।